पेशरार प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। लोहरदगा जिले के अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के पेशरार प्रखंड के विभिन्न गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शनिवार को पेशरार प्रखंड कार्यालय के सभागार में शांति समिति की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश कुमार यादव और पेशरार थाना प्रभारी सुजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए 20 सूत्री अध्यक्ष रविन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि शांति का उद्देश्य है कि शांति का पैगाम देना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय का त्यौहार है, आपसी भाईचारे से त्यौहार मनाने के क्षेत्र के लोगों से किया गया अपील। वहीं इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश कुमार यादव ने बैठक में मौजूद लोगों से क्षेत्र के बारे में जायजा लेते हुए उन्होंने गांव मोहल्ले में शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। वहीं बैठक में ग्रामीणों का विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत होते हुए निराकरण करने का आश्वासन दिया और किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई। मौके पर बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश कुमार यादव, पेशरार थाना प्रभारी सुजीत कुमार सिंह, 20 सूत्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख सुचित्रा भगत, विनोद सिंह खेरवार, तुईमु पंचायत के मुखिया कमला देवी के अलावे कई जनप्रतिनिधिगण के साथ बड़ी संख्या में सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा किस्को से सद्दाम खान की रिपोर्ट। हम लोग हर महीने में, महीने के अंतिम सप्ताह में लगभग मासिक शांति समिति की बैठक करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ताकि क्षेत्र में क्या घटित हो रही है, घटनाएँ क्या चल रहा है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और अगर कुछ इस तरह का इनपुट हमको मिलता है तो उसका तत्काल हम लोग निराकरण करते हैं। साथ ही साथ चूँकि शांति समिति में पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, तो उनसे उस क्षेत्र के बारे में, विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में भी हम लोग फीडबैक लेते हैं, योजनाएं कैसे चल रही हैं, तो इसमें लोग खुल करके अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं और उसको नोट किया जाता है और तत्काल उसका निराकरण करने के लिए हम प्रयास करते हैं। थैंक यू।